नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज में जगह जगह केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल, कहा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर यह प्रदेश सरकार सब खत्म नहीं करेगी तो जल्द ही समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन करेगा। नवाब सिंह यादव व विधायक अनिल दोहरे की अगुवाई में एकजुट हुए सपा नेताओं की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की। वहीं अपर जिलाधिकारी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर जताया विरोध। प्रदेश सरकार और भारत सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार और देश की सरकार नौजवानों के लिए बेरोजगार खत्म करने का काम कर रही है, दलित पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, आए दिन कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और आज ज्ञापन दिया है। अगर इस पर नहीं सुधार हुआ तो निश्चित तौर पर प्रदेशव्यापी हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।